सो व्हाट इज एवरीवन, दिस इज अंश और ये मेरी अगली वीडियो है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने यूट्यूब के थर्ड पेमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे यूट्यूब से थर्ड पेमेंट कितना आया, इसे आने में कितना टाइम लगा और लगभग ये हर महीने किस डेट को लगभग आता है ये पेमेंट यूट्यूब से हमारे बैंक अकाउंट में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि ये पेमेंट मेरा कितना आया। तो इस बार जो मेरा यूट्यूब का थर्ड पेमेंट था वो था लगभग $115, जो हो गए लगभग 8,300 कुछ रुपए। और ये आया था मेरे बैंक अकाउंट में 21 तारीख को, मतलब यूट्यूब ने मेरे एडसेंस से ये डायरेक्ट कर दिया था और लगभग 22 तारीख या 23 तारीख में ये मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। तो जो यूट्यूब है वो हमारे एडसेंस अकाउंट से लगभग 15 से 21 तारीख के बीच में एडसेंस से पैसे सब निकाल देता है, उसे ज़ीरो कर देता है और फिर 21 से लगभग 30 तारीख के बीच में हमें हमारा पेमेंट जो होता है बैंक अकाउंट में मिल जाता है। और मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में आपको कि ये पेमेंट हमारे पास कहाँ से आता है। तो सबसे पहले चीज़, जो पेमेंट आता है हमारे यूट्यूब से वो ना ही व्यू पर डिपेंड करता है ना ही सब्सक्राइबर डिपेंड करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि आपके वीडियोज़ पर ऐड कितने आ रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली ये वही बात होगी कि ये जो पेमेंट है वो इनडायरेक्टली आपके व्यूज़ से कनेक्टेड है। सो जो हमारा पेमेंट आता है वो आता है ऐड से, जो हमारे वीडियोस पे आते हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं जो अपने एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पर डालते हैं वो यूट्यूब को अपने पेमेंट देते हैं, जो यूज़ करते हैं गूगल एडवर्क्स, तो उससे यूट्यूब को पेमेंट जाता है। फिर यूट्यूब जो वो पेमेंट होता है उसका कुछ पार्ट हमें देता है, तो वही आता है हमारे एडसेंस अकाउंट में। सो सीधी सी बात ये होती है कि एडवर्टाइजमेंट से पेमेंट यूट्यूब पर आ जाता है, यूट्यूब से हमारे पास पेमेंट आता है। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको बता दूँ कि यूट्यूब से 1,000 व्यू या फिर 10,000 व्यू के हिसाब से कुछ पेमेंट नहीं होता है। यूट्यूब से पेमेंट होता है वो मंथली आता है, आपके ऐड पे डिपेंड करता है कि आपके वीडियोस पे और आपके वीडियोस पे मतलब कितने व्यू पे कितनी एड्स आ रही हैं। अगर ज़्यादा एड्स आएंगे आपकी वीडियोस पे तो ज़्यादा पेमेंट आ जाएगा। और ये ऐड कंट्री वाइज पे डिपेंड करती है, जैसे अगर आपकी वीडियो में ऐड किसी और कंट्री की आ रही है जहाँ के रेट इंडियन डॉलर से बहुत हाई हैं तो आपकी वीडियो पे पैसे ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर किसी और कंट्री की आती है जाके रुपये इंडिया से बहुत कम हैं तो आपके पेमेंट जो होगी वो कम आएगी। तो जो पेमेंट होती है वो कंट्रीज पे भी डिपेंड करती है और ये कुछ चैनल्स के हिसाब से भी डिपेंड करती है। अगर आपका कॉमेडी चैनल है तो आपकी जो पेमेंट होगी वो थोड़ी कम आएगी क्योंकि कॉमेडी चैनल पे एड्स वगैरह बहुत कम आती हैं। अगर टेक चैनल वगैरह है आपका या फिर किसी और टाइप का चैनल है तो उस पर जो एड्स हैं वो ज़्यादा आती हैं। तो इसका मतलब कि कॉमेडी चैनल्स पर एक तरह से पेमेंट थोड़ा कम आता है लेकिन उस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो पेमेंट वो बैलेंस हो जाता है। और टेक चैनल पर अगर व्यूज़ कम है लेकिन उस पर पेमेंट वो उतना ही आ जाएगा कॉमेडी चैनल के बराबर जिस पर व्यूज़ कुछ ज़्यादा ही हैं। तो सीधी सी बात है कि यूट्यूब का जितना ही पेमेंट हमारे पास आता है वो सीधे ऐड पे डिपेंड करता है जो हमारे वीडियोस पे आती हैं। और एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब को पेमेंट देता है, यूट्यूब हमें पेमेंट देती है और फिर वी गेट पेड फ्रॉम यूट्यूब। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी या फिर ये वीडियो अगर कुछ हेल्पफुल रही, कुछ नॉलेज मिली आपको वीडियो से, ड्रॉप लाइक फॉर वीडियो, शेयर इस वीडियो और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।